हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। सलमान की भारत और दबंग 3, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, वहीं अब सनी देओल भी सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ब्लैंक का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसी के साथ हाल ही में खबरें आई कि वो मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ लंबे समय के बाद हाथ मिलाने वाले हैं। कुछ वक्त पहले दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और अब जब सब ठीक हो गया है तो सनी उनके साथ एक नई फिल्म की तैयारी में लगने वाले थे। लेकिन खबरों की माने तो सनी ने इस फिल्म को होल्ड पर रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, सनी अपने बेटे करण देओल को फिल्म पल पल दिल के पास से लॉन्च करने वाले हैं। बता दें कि ये फिल्म जुलाई में रिलीज होगी। अब चूंकि उनके बेटे की डेब्यू फिल्म होगी, तो ऐसे में खबरें हैं कि सनी पहले अपने बेटे की फिल्म पर ध्यान देना चाहते हैं, जो कि एक रोमांटिक फिल्म होगी। वहीं इस बात पर राजकुमार संतोषी का कहना है कि करण उनके बेटे जैसे हैं और सनी देओल के इस फैसले से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते चलें कि कुछ वक्त पहले फिल्म का एक लुक सामने आया था, जिसे सनी ने ट्वीट कर शेयर किया था। बता दें कि इस फिल्म में उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर सहद बांबा नजर आएंगी और फिल्म का डायरेक्शन खुद सनी कर रहे हैं। बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, लंबे वक्त के बाद सनी अपने फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ काम करने वाले थे, जिन्होंने साथ में घातक, घायल और दामिनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन अब जब वो उनके साथ फिलहाल काम नहीं करने वाले हैं, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सनी को ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रख कर लेना पड़ा होगा, या फिर यूँ कहें कि वो अपने बेटे की डेब्यू फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। वैसे आप उनके बेटे करण की फिल्म पल पल दिल के पास को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने जब कहानी पहली बार सुनी थी, व्हाट वर योर थॉट्स अबाउट इट? जब मैंने कहानी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई जंप्ड ऑन टू इट, एंड देन डेफिनेटली इट वाज करण्स डेब्यू, एंड दैट वाज अनदर मेन रीजन। एंड कहानी अच्छी थी, दोनों साथ में अच्छी तरह से जुड़ गए, सो आई सेड या वी शुड डू दिस फिल्म स्पेशली फॉर करण। So when Sunny Deol signs a film, there are 2-3 things कि ये tick mark होना चाहिए तो मैं picture कर लूँगा। नहीं, there's nothing like that. मैं तो सिर्फ कहानी सुन के, if I get excited, I do it. Otherwise, कि ये चीजें होंगी तो उस वजह से तो नहीं करता। अच्छा। ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं जिसकी वजह से मैं जाना गया हूँ। हाँ। तो वो फिल्में भी नहीं मैं करता अभी तक। अच्छा। सर, over 100 फिल्म से ज़्यादा, इतना सारा, मतलब what is one thing अगर मैं आपसे पूछूँ जो हम सबको जरूरत है every day in our life, motivation की, what is one thing जो सनी देओल खुद से बोलता है to keep himself motivated? I don't know, I just don't get tired, I just feel I need to do more and I just keep on climbing and that's it. I think you have to just keep on, life is like that. The minute you lose your interest in yourself, yeah, I think it gets boring and you have to love your job. And I think this industry where I am and this profession where I am, aise se khoobsurat koi aur jagah nahi hai mere liye. Very true, very true. Thank you so much, sir. And I would like to invite for the first time ever, puri media ke samne for the trailer launch of this movie. Let's put a round of applause for Karan Kapadia. करण, आज आप मुंह दिखाई करने वाले हैं कि शगुन 501 चढ़ेगा फिर? नहीं, वो क्या है ना, मैं अभी अभी दिल्ली से आया। अच्छा। तो बस निकालना भूल गया। ओ। पहली पिक्चर है तो एंट्री तो बनती है ना। या बट यार, पोस्टर से, टीजर से आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, व्हाट वाज द रीजन? आज भी आप वही लुक हाइड कर रहे हैं यहाँ पे? द रीजन इज दैट वी वांटेड टू पुट आउट दिस सर्टेन लेवल ऑफ इंट्रीग एज फार एज द फिल्म वाज कंसर्न्ड, एंड इफ यू लुक एट व्हाटएवर वी पुट अप ऑनलाइन, इट सॉर्ट ऑफ रेजोनेट्स दैट. So I think it's better till you guys watch the trailer and then I can show my face to you guys and we can have a wonderful. We are eager to see this. Photographers bhi hai yahan par. But before we present the trailer to the media and to the janta right now, what was the best response aapko mila when people saw the teaser of Blank? It wasn't a response in particular, but me, Pranav and Behzad, hum log is picture se kareeban 2.5 saal se jude hue. So just to see it come to life and see people responding to it, I think that was what really stood out to me more than anything. थोड़ा emotional हो गए थे आप तभी? थोड़ा बहुत. चलिए, करण को थोड़ा ये mask घर पे रखता हूँ, जब भी emotional हो जाता हूँ थोड़ा ऊपर कर दूँ. करण को थोड़ा और emotional करेंगे, trailer देखेंगे of the Blank and then we invite all the cast and crew. So sir, I would request, we'll play the trailer. Are we ready for the trailer? अच्छा, media वाले trailer के लिए ready नहीं क्या? हाँ जी, चलिए, लेट्स हैव द ट्रेलर फॉर दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. बाडिया,
All right, we have time for photo op as well. Karan, finally the mask is out. Finally, मुंह दिखाए हो। यार, your baby मतलब सबसे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। First movie, first trailer, ऐसा लगता है खुद का बच्चा आज बड़ा हो रहा है। What is your feeling right now? Like I said, हम 2.5 साल से इस पिक्चर पे काम कर रहे हैं। तो when I see it, I can't believe it myself. और I'm very proud and I hope that you guys like the trailer and you guys go support the film on the 3rd of May because बहुत मेहनत की है यार। तो please जाकर देखिए। सर आपके लिए ये फीलिंग हमेशा नहीं होती सेम होती है और इट्स जस्ट द फर्स्ट टाइम फर्स्ट फीलिंग फर्स्ट मूवी आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑल शुड ऑल एनकरेज करण आई थिंक हीज डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म सो सो हैव यू ट्रेलर आई एम श्योर थैंक यू गाइस समथिंग व्हिच यू ऑल कैन मेक अप योर माइंड अबाउट एंड आई वाज विद हिम थ्रू आउट द जर्नी एंड आई थिंक आई एम रियली वेरी प्राउड अबाउट थैंk यू सो मच Guys, thank you. Lot of action scenes and thrillers, sir. पूरा भराव पड़ा है. करण, 2.5 किलो का हाथ आप पे पड़ा क्या एक भी? पड़ा. काफी बार पड़ा. तो वही afraid क्या सीन था वो जब शूट कर रहे थे? नहीं, we weren't afraid. We went into it with enough preparation. हमें पता था क्या करना था. I was more excited than scared to get hit by the 2.5 किलो का हाथ. So it wasn't fear. It was excitement. पड़ेगी तो अच्छा है ऐसा. हाँ, बिल्कुल. अच्छा. सर आजकल एक चीज़ बहुत हो रही है मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ आई एम होपिंग मीडिया वाले भी सवाल पूछे ट्रेलर के बाद सर बहुत सारे मीम्स बनना शुरू हो जाते ट्रेलर के ऊपर तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस पर क्या क्या मीम्स बनने वाले यार मैं इतना जो ये सोशल मीडिया में घूम रहा होता ना तो मेरे पास इसका जरूर कोई जवाब होता क्योंकि आई थिंक इसके बारे में बस यही होगा कि जो हमारा ट्रेलर है जो हमारी फिल्म है जिसका नाम ब्लैंक है आई थिंक दैट ब्रिंग्स अक्रॉस के हर चीज़ एक चीज़ जिसके बारे में हम जानते भी हैं तो भी हम ब्लैंक होते हैं उसके बारे में एंड दैट्स द होल थिंग ऑल अबाउट जैसे हम टेररिज्म में किसी की भी बात करें तो एक चीज़ छुपी हुई है और ना किसी को खुद को पता है कि वो क्यों कर रहे हैं आई थिंक सब लोग जो भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं ऑल राइट विद दैट वी जस्ट वांट टू इनवाइट करण वीर इशिता ऑन स्टेज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर करण वीर एंड इशिता Can I have 2 more mics? अरे यहाँ एसी नहीं चल रहा क्या एसी चला दो यार बहुत गर्म हो रहा है इशिता ये पिक्चर आपके पास कैसे आई या आप इस पिक्चर के पास चल के गए what was the scene like? I don't know why I'm always the last person to enter a film whatever work I've done till date there hai durust hai sorry for the other person who gets replaced I'm really sorry they feel really bad but same thing happened with this film I think 2 days before something the show, like that yeah, they called me and they said you know aisa hai husna the character that I'm playing and would you come and meet us and you know and it just worked out in 2 days I was shooting and doing a lot of action so that was the highlight for me because I have always played roles which are very simple and you know simple si ladki hai haath nahi uthati but here I got to like maar dhaar awesome in the film aisi film hai actually jisme aap filmon mein dekhte hain ki ladka ladki ko chase kar raha hai ladki ladke ko chase kar rahi hai pehli baar lekin Ishita you have given the question to the media kisne kisko replace kiya aapne don't answer blank ho gaya main to Alright, there are 3 Karans on stage. Karan, Karan Veer and Karan. Karan Veer, आप कैसे बने इस मूवी का हिस्सा अगर आप बताएंगे तो? सनी सर को करण नाम बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, yes sir. Honestly, I'm here because of first of all, पहला कॉल जो मुझे आया था, मुझे टोनी डिसूजा का आया था. So टोनी का जब भी मुझे फोन आता है, ऐसे ही आता है. कल क्या कर रहा है? ऑफिस आ जा. ऐसा, अरे मैं शूट पे हूँ. बोले नहीं, आ जा. अच्छा रोल है तेरे लिए. So this is the second time around I'm working with Tony and Behzad. Azhar ki thi hum logon ne pehle. So it was a wonderful experience and they thought and it's my privilege. Unko laga ke main is kirdar ke liye sabse acha kaam karunga. Wonderful. Agar unhone bol diya to let's invite on stage the director of this movie Behzad. Woo! The writer of this movie Pranav, are you here? Producers of this movie Saurabh Prabhakar vice president and head of Carnival Motion Pictures Nishant Pitti and Vishal Rana can we have all on stage and I think mic acha we can just keep passing on the mic okay Behzad sir aapse pehle sawal puchenge Behzad hamari jo boss hai office ki radio se unke bahut se dost hai
तो अपना तो व्यवहार पहले से ही बन गया है, लेकिन ये 2-2.5 साल से प्रेपरेशन चल रही है, कैसा रहा था प्रोसेस इफ यू वांट टू टॉक अबाउट? प्रोसेस तो काफ़ी अच्छा था, बट इनिशियली जब मैं, प्रणव और करण, हम तीनों एडीज थे बॉस पिक्चर पे, तो तब से ही सोच रहे थे कि कुछ करेंगे, लेट्स मेक अ फिल्म टुगेदर, शॉर्ट फिल्म. Yeah, we started with a short film, but अभी तो फुल लेंथ बन गई, but things started to get moving after we met Sunny sir. But when we were writing the role, Pranav and I had a thought in mind that the character of this ATS chief should be somebody like Sunny sir. That's how we were writing it. Okay. Until Tony sir turned around and said, "Why somebody like Sunny sir? Let's go meet Sunny Deol." Meri to phat gayi to start with. Because I had a completely different impression of the man. I also had the impression when I met him first time. But he's very sweet and very genuine. और बहुत कंफर्टेबल कराते हैं। या सो इन माय फर्स्ट मीटिंग ओनली ही सेड देख बेटा जैसे मैं स्क्रीन पे हूं वैसा हूं नहीं